हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। केमिकल काइनेटिक्स के आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। कोई भी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करनी है। और किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि रिएक्शन के जो ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली क्या है। तो पहली बात तो आप ये सीखिए कि रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करने की क्यों जरूरत है, और मॉनिटरिंग से आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा, इस ऑब्जर्वेशन से फायदा क्या होगा। केमिकल काइनेटिक्स का अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जैसा फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, एलएम ए नॉट डिवाइडेड बाय एटी, दैट इज इक्वल टू केटी। इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ में बेसिकली क्या पुट करना है, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू पुट करना है, टाइम की वैल्यू पुट करनी है, रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है, और टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पुट करना है। अब यहां पे जो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है या टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की ये कॉन्सेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाती, ये दोनों नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा कि आपने केमिकल रिएक्शन करवाया और जीरो टाइम पे या टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे या टाइम टी इक्वल टू 20 मिनट पे इस रिएक्शन को आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने से आपको बेसिकली कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, और उस ऑब्जर्वेशन से लॉजिकली आपको ए नॉट और ए टी का वैल्यू पता करना है। रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करने से क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन किसी भी टर्म्स में हो सकता है। जैसे कि अगर रिएक्शन गैशियस है तो इस गैशियस रिएक्टिंग मिक्सचर का आपको क्या दिया जा सकता है, टोटल प्रेशर दिया जा सकता है। रिएक्शन में अगर गैस बन रहा है तो गैस का वॉल्यूम बेसिकली कितना है वो दिया जा सकता है। ऑब्जर्वेशंस आपको अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं, और एनी ऑब्जर्वेशन से आपको बेसिकली क्या पता करना है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। कब पता करना, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, और एट टाइम टी इक्वल टू टी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी इक्वल टू टी पे भी आपको पता करना है। लेकिन आपको मिलेगा क्या, बेसिकली ऑब्जर्वेशन। रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करने से आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ऑब्जर्वेशन को लॉजिकली ट्रांसफॉर्म करना होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में और टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन में। ये कॉन्सेंट्रेशन यहां पर किसकी पुट की जाती है, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट के लिए ये सब फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली फोर टाइप्स के हैं। तो फोर टाइप के डिफरेंट ऑब्जर्वेशन अगर हैं तो इस टॉपिक को बेसिकली मैं फोर मेथड्स में डिवाइड कर सकता हूं, जिसमें सबसे पहला मेथड अपने पास क्या है, प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट, तो किसी भी एक गैशियस रिएक्शन की बात करते हैं। गैशियस रिएक्शन में बेसिकली रिएक्टेंट भी अपने पास गैशियस है, प्रोडक्ट भी अपने पास गैशियस है। जिस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ये सारा का सारा रिएक्टिंग मिक्सचर एक कंटेनर के अंदर बंद है। जिस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, लेट अस से कि 10 मिनट पे या 0 मिनट पे या 20 मिनट पे या 30 मिनट पे, रिएक्टिंग मिक्सचर का टोटल प्रेशर का वैल्यू आपको मिलेगा। रिएक्टिंग मिक्सचर के टोटल प्रेशर का वैल्यू आपको मिलेगा, और इस टोटल प्रेशर की वैल्यू को, दैट मींस की ऑब्जर्वेशन को लॉजिकली ट्रांसफॉर्म करना होगा कि रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर क्या था और रिएक्टेंट का टाइम टी पे प्रेशर क्या था। रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर और टाइम टी पे प्रेशर अगर आपको मिल गया तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आप यूज कर सकते हो, और केमिकल काइनेटिक्स का ये जो क्वेश्चन होगा उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगेन एक और दिक्कत यहां पे क्या आ गई कि पहला जो मेथड है प्रेशर मेजरमेंट का है। अब प्रेशर मेजरमेंट से क्या मिलेगा, रिएक्टिंग मिक्सचर का टोटल प्रेशर मिलेगा। तो किसी भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपको पुट क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है और आपको क्या मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इस डाउट को पहले ही हम सॉल्व कर लेते हैं कि अगर आपको पास प्रेशर का ऑब्जर्वेशन मिल रहा है और वैल्यू आपको पुट करनी है कॉन्सेंट्रेशन की, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ऑब्जर्वेशन को हम कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अब गैशियस की, गैशियस रिएक्टेंट्स की बात है या गैशियस प्रोडक्ट की बात है, बेसिकली रिएक्टिंग मिक्सचर में सारी स्पीशीज गैशियस हैं। सभी गैसेस को आइडियल कंसिडर करते हुए हम पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन से बेसिकली क्या समझ में आ रहा है, पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। तो अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करें, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करें, आर गैस कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट ही होता है,
एन बाई वी को क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिला है आपको, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मिली है। ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रेशर। और इस प्रेशर को आप बेसिकली चाहे तो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या जो कॉन्सेंट्रेशन का, जो कॉन्सेंट्रेशन को इंटीग्रेटेड रेट लो में पुट करना पड़ता है, उस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू की जगह आप चाहे तो प्रेशर की वैल्यू भी पुट कर लें। दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आंसर तब भी सेम ही आएगा। तो ये हमें बेसिकली यहां से क्लियर हो चुका है कि जो पहला मेथड है रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का, वो पहला मेथड क्या है, प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट से आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, प्रेशर। और इस प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, एक क्वेश्चन हम यहां पर बनाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली। रिएक्टिंग मिक्सचर किसी एक कंटेनर के अंदर रख लेते हैं। रिएक्टिंग मिक्सचर बेसिकली अपने पास क्या है कि लेट अस से कि ए गैस है, इससे क्या मिल रहा है, बी गैस, और बी गैस के कितने मोल मिल रहे हैं, एन मोल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस हैं। किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे इस गैसियस मिक्सचर का अगर आपको प्रेशर नोट करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर मीटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैनोमीटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। यह मैनोमीटर इस कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है सभी गैसेस का टोटल प्रेशर एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी आपको बता देगा। जैसे टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या प्रेशर है, टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे क्या प्रेशर है, टाइम टी इक्वल टू 40 मिनट पे क्या प्रेशर है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इनफाइनाइट टाइम पे क्या प्रेशर है। इनफाइनाइट टाइम तो बेसिकली हो नहीं सकता, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो आप नोटिस करोगे उस पर यह कंसिडर कर सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, उस समय में भी प्रेशर वाले ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आपको मिलेगी यहां पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको प्रेशर की वैल्यू मिल रही है, और मोस्टली आपको जो प्रेशर का वैल्यू मिलेगा, जो ऑब्जर्वेशन आपको प्रेशर में मिल रहा है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मिलेगा, टाइम टी इक्वल टू टी पे मिलेगा, और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट में मिलेगा। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलने वाला है, पी नॉट, पी टी एंड पी इंफिनिटी। व्हाट आर दीज, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी और टी इक्वल टू इंफिनिटी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्या प्रेशर होगा, पी इंफिनिटी। टी टाइम पे क्या प्रेशर होगा, पी टी। और जीरो दैट मीन्स की रिएक्शन शुरुआत होने से पहले क्या प्रेशर होगा, पी नॉट। और ये जो तीनों प्रेशर है बेसिकली क्या है, टोटल प्रेशर। ये जो मीटर है यहां पे मैनोमीटर, ये इस कंटेनर में प्रेजेंट सभी गैसेस का टोटल प्रेशर बता सकता है। इंडिविजुअल किसी गैस का प्रेशर नहीं बता सकता कि आप गैस बी का पता कर लो, गैस ए का पता कर लो। ये प्रेशर तो आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू ही देगा, ये जो पर्टिकुलर सेटअप है टोटल प्रेशर की वैल्यू है आपके पास। अगेन एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो किसके प्रेशर से मतलब है, रिएक्टेंट के प्रेशर से मतलब है। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट का क्या प्रेशर था, टाइम टी इक्वल टू टी पे रिएक्टेंट का क्या प्रेशर है। और इस प्रेशर को मैं कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और लॉजिकली आपको किसका प्रेशर बताना है, रिएक्टेंट ए का प्रेशर बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन को लिखो और मोल कंसेप्ट की तरह सॉल्व करो, अपने आप ही पता चल जाएगा कि इनिशियली रिएक्टेंट का क्या प्रेशर है और टाइम टी पे रिएक्टेंट का क्या प्रेशर होगा। तो लेट अस से कि आपके पास इक्वेशन क्या है, ए गैस से बन रहा है बी गैस, और बी गैस के मोल कितने हो गए, एन। शुरुआत में जो प्रेशर है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे, पी नॉट। तो रिएक्शन जब शुरुआत हो रही है स्टार्ट में केवल ए ही प्रेजेंट है, ए मतलब क्या प्रेजेंट है, रिएक्टेंट। तो जितना भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, रिएक्टेंट की वजह से ही होगा। तो रिएक्टेंट का प्रेशर मैं कंसिडर कर लेता हूं यहां पे पी नॉट। शुरुआत में टाइम टी इक्वल टू जीरो पे आपको प्रेशर दे रखा है पी नॉट, और ये पी नॉट सारा का सारा ये प्रेशर किसका होगा, गैस ए का ही होगा, क्योंकि शुरुआत में गैस बी तो प्रेजेंट नहीं है। अब टाइम टी इक्वल टू टी पे चलते हैं, यहां पर टोटल रिएक्टिंग मिक्सचर का जो प्रेशर है दैट इज पी टी। टी मतलब यहां पे क्या बताया गया है, कोई भी टाइम टी, और प्रेशर मतलब किसका, टोटल प्रेशर ही हमेशा लिया जाएगा। अब आगे बताइए, एट टाइम टी इक्वल टू टी पे ए गैस है, थोड़ा बहुत यहां से इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में डिसोसिएशन होगा,
और इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में जितना भी डिसोसिएशन होगा उसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बी बनेगा। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन में जितना भी डिसोसिएशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू तो मैं यहां पे नहीं रख रहा हूं, सीधा सीधा मुझे ऑब्जर्वेशन दे रखा है प्रेशर का, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर के टर्म में ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बताइए इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में अगर कुछ रिडक्शन होता है तो उस मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल क्या होगा? प्रेशर। मतलब यहां पर इसकी प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? कम। और बी गैस का जो प्रेशर है बेसिकली बढ़ेगा। तो लेट अस से कि ए गैस का जो प्रेशर है उसमें कुछ मोल डिसोशिएट हुए और जितने भी मोल डिसोशिएट हुए उनकी वजह से गैस ए का प्रेशर एक्स से कम हो गया। गैस ए का प्रेशर अगर एक्स से कम हो गया तो गैस बी का प्रेशर कितना ज्यादा हो जाएगा? एन इंटू एक्स। शुरुआत में बी जीरो था तो बेसिकली पर्टिकुलर टाइम टी पे आपके पास टोटल प्रेशर कितना होगा? गैस ए का प्रेशर प्लस गैस बी का प्रेशर। तो गैस ए का प्रेशर प्लस गैस बी का प्रेशर दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। अब बात आती है टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी पे, टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर इज गिवन एज पी इंफिनिटी। तो बताइए ए गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज ए गैस पर्टिकुलरली रिएक्ट करके कंप्लीटली प्रोडक्ट बन चुका है। बताइए इसके एक मोल से इसका कितना बनता है? एन मोल। या इसके इतने प्रेशर की वजह से उसका कितना प्रेशर जनरेट हो जाएगा? एन इंटू पी नॉट। ये आपने यहां पे एक तरीके से मोल कंसेप्ट के जैसे इस रिएक्शन को लिखा और आपने ये पता कर लिया कि शुरुआत में जो प्रेशर था केवल गैस ए का था, तो शुरुआत का जो प्रेशर था पी नॉट, दैट पी नॉट प्रेशर बिलोंग्स टू ओनली गैस ए, तो गैस ए का प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट। इनिशियल प्रेशर आपको पता चल गया। टाइम टी पे इसका प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट माइनस एक्स। तो बताइए बी गैस का प्रेशर कितना बन गया? एन एक्स। और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम गैस ए का प्रेशर कितना हो गया? जीरो। तो इसके एक मोल से इसका कितना मोल बनता है? एन मोल। या इसके पी नॉट प्रेशर की वजह से उसका कितना प्रेशर जनरेट होगा? एन इंटू पी नॉट। और ये तीनों वैल्यूज आपको दे रखी है, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। इस प्रेशर की वैल्यू से अब क्या फाइंड आउट करना है? बताइए क्या फाइंड आउट करना है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन तो बेसिकली मिल नहीं रहा है, प्रेशर मिल रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं तो काम अपना बन जाएगा। बताइए इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, एक तो ये फाइंड आउट करना है और टाइम टी पे रिएक्टेंट का जो प्रेशर है एक ये फाइंड आउट करना है। बताइए इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट ए का कितना है? पी नॉट। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जितना भी प्रेशर था वो किसका था? गैस ए का ही था। तो इनिशियल प्रेशर कितना है गैस ए का? पी नॉट। पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। टाइम टी पे जो प्रेशर है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? बेसिकली टाइम टी पे जो प्रेशर है गैस ए का ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम टी पे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, और टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको आप क्या बोल सकते हो? एटी। एटी को और क्या बोल सकते हो? ए नॉट माइनस सम मोलर कॉन्सेंट्रेशन। लेट अस से कि वाई, क्योंकि यहां पर एक्स मैंने किसमें लिया? प्रेशर में लिया, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन को वैल्यू में एक्स नहीं रख सकता हूं, कुछ और कॉन्स्टेंट मैंने रख दिया वाई। लेकिन इन सब चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। इनिशियल प्रेशर आपके पास कितना हो गया? पी नॉट रिएक्टेंट ए का। पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अब आपको क्या निकालना? टाइम टी पे प्रेशर। तो टाइम टी पे प्रेशर कितना है? पी नॉट माइनस एक्स। और पी नॉट माइनस एक्स में आपको एक्स की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। पी नॉट माइनस एक्स आपको दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है? टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। इस टोटल प्रेशर की वैल्यू से ये ऑब्जर्व करना है या फिर ये लॉजिकली डिराइव करना है कि टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर बेसिकली कितना है। तो टाइम टी पे रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है? पी नॉट माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करो। तो बताइए सेकंड इक्वेशन से आपको क्या पता चल जाएगा? प्रेशर टोटल कितना हो जाएगा? ए गैस का प्रेशर प्लस बी गैस का प्रेशर कितना दे रखा है? पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स। तो टोटल प्रेशर बेसिकली कितना हो गया? पी नॉट प्लस एन माइनस वन एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई तो आप क्या पता कर सकते हो? टाइम t पे रिएक्टेंट a का प्रेशर। टाइम t पे रिएक्टेंट a का प्रेशर कितना है? p नॉट माइनस x। टाइम t पे
रिएक्टेंट ए का जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट माइनस एक्स विच इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू क्या है पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा पी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू एन पी नॉट से पी नॉट कट गया पी टी बच गया डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। दोनों वैल्यूज आ गई। अब गैशियस रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए का इनिशियल प्रेशर आ गया टाइम टी पे प्रेशर आ गया, और इनिशियल प्रेशर और टाइम टी पे जो प्रेशर है इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो लेट अस से कि गैस कौन सा सॉरी रिएक्शन अपने पास कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अज्यूम करना पड़ेगा, और मोस्टली मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, तो मोस्टली आपको क्या मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही मिलने वाला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने अज्यूम किया इसको, तो किस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट लो आएगा ln a नॉट डिवाइडेड बाई ln a t दैट इज इक्वल टू kt। a नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर कितना है p नॉट, और टाइम t पे जितना भी इसका प्रेशर होगा टाइम t पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम t पे इसका प्रेशर कितना है बेसिकली p नॉट माइनस x, उसकी वैल्यू क्या है एन पी नॉट माइनस पी टी डिवाइडेड बाई एन माइनस वन दट इज इक्वल टू के टी। अगेन एल एन एन माइनस वन पी नॉट डिवाइडेड बाई एन पी नॉट माइनस पी टी दट इज इक्वल टू के टी। और यहां से आप बेसिकली जो भी ऑब्जर्वेशन मिला है उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ही आपको पुट करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू पुट करने से आपको क्या मिल जाएगा रेट कॉन्स्टेंट के का वैल्यू मिल जाएगा। अब देख लीजिए इस फॉर्मूले में कहीं नहीं लिखा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना है, टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है इसी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने ऑब्जर्वेशन के टर्म्स में पुट किया है। तो अब ऑब्जर्वेशन में अपने पास क्या था इनिशियल प्रेशर दैट मीन्स की पी नॉट, टाइम टी पे जो प्रेशर है दैट इज पी टी, और पी इंफिनिटी का बेसिकली यहां पे कोई रोल मिला नहीं है। पी इंफिनिटी का रोल हो सकता था कब, अगर मान लीजिए कि इनिशियल प्रेशर आपको नहीं दिया जाता और पी इंफिनिटी आपको दिया जाता, तो पी इंफिनिटी से आपको क्या पता करना पड़ता कि इनिशियल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तब उसका रोल आ सकता था। बेसिकली अभी मैंने डेटा ज्यादा लिखा था, तीन डेटा आपके पास लिखे थे लेकिन दो डेटा सेट की जरूरत आपको थी। इसमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इनिशियल प्रेशर की वैल्यू पुट करो, टाइम टी पे जो रिएक्टिंग मिक्सचर का प्रेशर है वो पुट करो, एन की वैल्यू यहां पे पुट करो, टाइम की वैल्यू पुट करो, और रेट कांस्टेंट के का वैल्यू आ जाएगा। तो पहला मेथड अपने पास रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का क्या है, प्रेशर मेजरमेंट। कौन सा प्रेशर होता है बेटा, रिएक्टिंग मिक्सचर का टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर से आपको क्या निकालना पड़ता है, ओनली रिएक्टेंट का प्रेशर निकालना पड़ता है। रिएक्टेंट का प्रेशर कब निकालना पड़ता है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे निकालना पड़ता है, टाइम टी इक्वल टू टी पे निकालना पड़ता है। अब ये जो प्रेशर की वैल्यू आ गई, इस प्रेशर की वैल्यू को कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल पुट करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ही पुट होती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। ओके, इस तरीके से ये बेसिकली फॉर्मूला यहां पर बन गया है। अब इस फॉर्मूले को ऐसा नहीं कि आपको रट के रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला तो केवल किसके लिए वैलिड है, ए गैस और इससे क्या बन रहा है बी गैस, और बी गैस के कितने मोल बन रहे हैं एन। लेट अस से कि यहां पर ए आपको अगर एक्वस फॉर्म में दे दिया जाए, ए लिक्विड फॉर्म में दे दिया जाए, या फिर वहां पर बी गैस के अलावा सी गैस और डी गैस भी आपको कंपोनेंट दे दिए जाए, तो फॉर्मूला ये रट के नहीं रखना है, केवल इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं। प्रोसीजर क्या है कि कोई भी गैसियस रिएक्शन के बारे में आपको रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है इसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद आपको क्या मिलेगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा टोटल प्रेशर। इस टोटल प्रेशर से आप क्या बताओगे रिएक्टेंट ए का प्रेशर बताओगे कब, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे और टाइम टी इक्वल टू टी पे। रिएक्टेंट का दो प्रेशर आपको मिल गया, इस प्रेशर को बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन की जगह पुट करोगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, और उसके बाद आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज प्रेशर मेजरमेंट, उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, 373 केल्विन मतलब कि टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स कर रखी है। एक गैसियस रिएक्शन है, ए गैस से क्या बन रहा है टू बी गैस प्लस सी गैस, और ये रिएक्शन कैसा है फर्स्ट ऑर्डर का ये आपको बता रखा है। रिएक्शन की जब स्टार्टिंग होती है तो प्योर ए प्रेजेंट होता है, शुरुआत में कोई और प्रेजेंट नहीं है, और
जो टोटल प्रेशर है आपको 10 मिनट के एंड पे वो कितना दे रखा है 176 mmHg। शुरुआत में केवल कौन है ए, और जैसे ही 10 मिनट अपन खर्च करेंगे तो ए से क्या बनेगा बी और सी भी बनेगा और ए भी अभी बचा हुआ है। टोटल प्रेशर ए गैस प्लस बी गैस प्लस सी गैस का आपको कितना दे रखा है 176 mmHg आफ्टर 10 मिनट्स। अब क्या बता रखा है कि जब बहुत ज्यादा समय यहां पे हो जाता है दैट मीन्स की टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन कंप्लीट ए इज रिएक्टेड दैट मीन्स ए इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ओनली बी एंड सी आर देयर देन टोटल प्रेशर इज 270 mmHg। फाइंड आउट प्रेशर ऑफ गैस ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट। तो 10 मिनट में ही आपको यहां पर टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और 10 मिनट पे ही गैस ए का प्रेशर पूछा है। टोटल प्रेशर से बेसिकली आपको यह अंदाजा लगाना है कि इंडिविजुअल गैस ए का प्रेशर क्या होगा। तो ये तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, टाइम सेम रखा है इन्होंने, तो सेम टाइम पे गैस ए का प्रेशर क्या होगा ये तो बेसिकली मोल कंसेप्ट की तरीके से यूज करना पड़ेगा, उसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। रिएक्शन लिख देता हूं मैं अगेन, हर बार ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको रिएक्शन शुरुआत से लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा, पुराना जो फॉर्मूला है उसको याद नहीं करना है। शुरुआत में केवल अपने पास कौन है, रिएक्टेंट ए है, प्योर ए है, तो प्योर ए का प्रेशर मैं कंसिडर कर लेता हूं पी नॉट, तो इनका प्रेशर कितना होगा बेसिकली जीरो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे एंड टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। प्रेशर की वैल्यू क्या होगी पी नॉट पी टी एंड पी इन्फिनिटी। टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट ये वैल्यू आपको दे रखी है। 10 मिनट पे क्या होगा कि ए में से कुछ मोल रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बी और सी, जितने भी मोल रिएक्ट करेंगे उनके हिसाब से कितना प्रेशर में रिडक्शन आएगा, लेट अस से कि एक्स प्रेशर में रिडक्शन आएगा, क्योंकि यहां पे जो मोल्स है या जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो आप बेसिकली इसी तरीके से ट्रीट करो कि जितने भी मोल डिसोशिएट हुए उन मोल्स की वजह से लेट अस से कि एक्स प्रेशर में यहां पर रिडक्शन आ गया। तो यहां पर गैस ए का जो प्रेशर हो गया टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे वो कितना हो गया पी नॉट माइनस एक्स, तो इसका कितना प्रेशर जनरेट हो जाएगा 2x, इसका कितना हो जाएगा एक्स। आगे इन्फिनिटी पे ये कितना होगा खत्म हो गया, खत्म हो गया तो ऑलमोस्ट इसका प्रेशर कितना हो गया जीरो, या इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होकर कितनी हो गई जीरो, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होकर जीरो हो गया, ए खत्म हो गया प्रेशर भी खत्म। तो बताइए इसका सारा एक मोल की वजह से ये कितना बनता है दो मोल और ये कितना बनता है एक मोल, तो इसके पी नॉट प्रेशर की वजह से उनका कितना प्रेशर जनरेट होगा 2p0 और इसका कितना होगा पी नॉट। टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे पी इंफिनिटी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 270 mmHg और pt की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 176 mmHg एट टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे। तो बताइए टोटल प्रेशर अपने पास कितना हो गया 3p0 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विच इज इक्वल टू 270, दैट मीन्स पी नॉट इज इक्वल टू 90 mmHg। गैस ए का इनिशियल स्टार्टिंग प्रेशर कितना था 90 mmHg पता चल गया। अब बताइए इस पर्टिकुलर टाइम पे 10 मिनट पे टोटल प्रेशर आपके पास कितना है पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स और टोटल प्रेशर का वैल्यू कितना दे रखा है 176 mmHg। एक्स एक्स चला गया ये कितना हो गया पी नॉट प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 176 mmHg। पी नॉट का वैल्यू कितना है 90, 176 माइनस 90 86 डिवाइडेड बाय 2 x इज इक्वल टू आ गया 43 mmHg। तो पर्टिकुलर टाइम टी दैट इज इक्वल टू 10 मिनट पे गैस ए का जितना भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट किया उसकी वजह से प्रेशर में रिडक्शन कितना आ रहा है 43। तो टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे गैस ए का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स 90 माइनस 43 दैट इज इक्वल टू 47 mmHg। तो इसमें तो केमिकल काइनेटिक्स कहीं यूज करने को नहीं मिला, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फास्ट ऑर्डर का कहीं पे भी नहीं लिखा, केवल आपने 10 मिनट पे जो जानकारी दे रखी थी 10 मिनट पे ऑब्जर्वेशन किया था टोटल प्रेशर इतना दे रखा था और उस टोटल प्रेशर में से गैस ए का प्रेशर कितना था वो मैंने बता दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। और सबसे पहला मेथड अपने पास क्या, प्रेशर मेजरमेंट। कौन सा प्रेशर, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब रिएक्टिंग मिक्सचर में जितनी भी गैसेस होंगी सभी के प्रेशर का सम, वो आपको किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे एज ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें आपको एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन क्या है ए से क्या बन रहा है 2b+c, सी और बी दोनों गैसियस हैं और ए यहां पे कैसा एक्वस, तो रिएक्टेंट ए का तो कोई यहां पे प्रेशर होगा नहीं
और स्टार्टिंग में रिएक्शन के स्टार्टिंग में केवल कौन होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से स्टेट में, एक्वस स्टेट में, तो स्टार्टिंग में तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा गैसेस का। तो एक तरीके से पी नॉट की वैल्यू क्या है, जीरो, और पी नॉट का वैल्यू जीरो है ये आपको यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, जिस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है उस तरीके से ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होगी, बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। बी और सी गैशियस प्रोडक्ट है, तो गैशियस प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनेंगे तो इनका प्रेशर बेसिकली क्या होगा, ज्यादा। तो आपको बता रखा है कि 20 मिनट के एंड पे कितना प्रेशर दे रखा है, 150 mmHg। और जिस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है दैट मीन्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रेशर आपको कितना दे रखा है, 225 mmHg। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 225 mmHg प्रेशर कब होगा, जब रिएक्टेंट ए कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट बी और सी कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। ये सारा इंफॉर्मेशन दैट मींस कि ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आपको दे रखी है। ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल रिएक्टिंग मिक्सचर का जो प्रेशर है किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे। अब आपसे क्या पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताओ और 40 मिनट के बाद टोटल प्रेशर कितना हो जाता है ये भी बताओ। तो यहां बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का जो फॉर्मूला है वो यूज करने को मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला आता है, ln a नॉट डिवाइडेड बाई at, दैट इज इक्वल टू kT। ठीक है, तो इक्वेशन लिख देते हैं, a एक्वस इससे क्या बन रहा है, b गैस प्लस c गैस, और b गैस के बेसिकली कितने मोल है, 2 मोल है। अब बताइए यहां पे शुरुआत में a का प्रेशर कितना है, तो a का जो प्रेशर है ये तो हम यहां पे काउंट ही नहीं कर सकते, या a का प्रेशर लेने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज a इज नॉट अ गैशियस स्पीशीज। a कैसा दे रखा है, एक्वस दे रखा है। तो प्रेशर के टर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में सॉल्व करो या प्रेशर के टर्म में सॉल्व करो, बात तो एक ही है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों दूसरे के एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर कर लिया ए नॉट, इनका कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। एट टाइम टी ए नॉट में से कितना चला गया, एक्स, तो ये कितना बनेगा, 2x, ये कितना बनेगा, एक्स। कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, टाइम टी इक्वल टू 20 मिनट एंड टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट, एक मोल से कितना बनता है, दो, तो इसकी ए नॉट मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना हो जाएगा, 2a नॉट, और ये कितना हो जाएगा, ए नॉट। यहां पे प्रेशर दिया हुआ नहीं है, यहां प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल 150, यहां कितना दे रखा है, 225। और इस प्रेशर ऑब्जर्वेशन की मदद से आपको निकालना क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमेशा ऑब्जर्वेशन आपको यही निकालना है, और ऑब्जर्वेशन किसका दे रखा है, प्रेशर का। तो बताइए टाइम टी पे टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा, या टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 3x गैसेस की, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होगी, टोटल प्रेशर के। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 150। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना, क्योंकि यहां पर यह मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर के लिए आप इक्वल का साइन लगा सकते थे, लेकिन अभी मोलर कॉन्सेंट्रेशन से प्रेशर कितना है ये कैलकुलेट किया जा रहा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मेंटेन रखना है यहां पे। आगे टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर कितना है, 225। प्रेशर किसकी वजह से होता है, गैशियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वजह से। टोटल अपने पास क्या कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की, 3a नॉट। तो क्या पता चल गया यहां से कि एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, 50 mmHg के, या ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, 75 mmHg के। ए नॉट आपको पता चल गया, ए नॉट माइनस एक्स फोर पता करना है, तो बताइए ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 75 - 50, दैट इज 25 mmHg के ए नॉट माइनस एक्स प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दे रखा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, ln a नॉट डिवाइडेड बाई at, That is equal to kT. At को basically क्या लिखा जा सकता है, a naught minus x. तो basically क्या हो गया, a naught किसके proportional है, 75. a naught minus x किसके proportional है, 25. That is equal to k into time कितना दे रखा है, 20 minute. तो k का value हो गया ln 3 divided by 20 per minute. Next question क्या था इसका, कि time t equal to 40 minute पे total pressure क्या होगा basically. ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू 40 मिनट कर देते हैं, टोटल प्रेशर क्या होगा, लेट अस से कि पीटी,
और टाइम टी इक्वल टू 40 मिनट पे यहां पर ए नॉट मोलर कॉन्सेंट्रेशन में से लेट अस से कि एक्स डैश मोलर कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो जाता है तो ये कितना बनेगा 2x डैश और ये कितना बनेगा x डैश, रिप्लेस कर देते हैं x डैश कर देते हैं, ये सारा अपन ने सॉल्व कर लिया, इसको हटा देते हैं। यहां से केवल किसकी वैल्यू आपको काम में आएगी, ए नॉट का वैल्यू, ए नॉट का वैल्यू भी वापस से लिख लेंगे। अब बताइए एट अ पर्टिकुलर टाइम टी कितना प्रेशर है पीटी, और पीटी प्रेशर किसको प्रोपोर्शनल होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस और टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस कितनी है 3x डैश। टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना प्रेशर जनरेट होगा 225, ये प्रेशर किसकी वजह से जनरेट होगा, केवल गैशियस स्पीशीज की वजह से, गैशियस स्पीशीज के टोटल मोल अपने पास कितने आ रहे हैं एक तरीके से 3a0, तो 3a0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट 225। ओके क्या निकालना है a0 बताइए, a0 इज प्रोपोर्शनल टू 75, और क्या निकालना है, यहां से क्या आ जाएगा x डैश इज प्रोपोर्शनल टू pt डिवाइडेड बाई 3, और क्या निकालना होता है a नॉट माइनस x, टाइम t पे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा a नॉट माइनस x, कितना हो जाएगा 75 माइनस pt बाई 3, pt बाई 3, x डैश इसको लिख देते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, इंटीग्रेटेड रेट लो में ये दोनों पुट कर दो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln a नॉट डिवाइडेड बाई ए टी दट इज इक्वल टू के टी, ए टी का वैल्यू बेसिकली क्या है अपने पास a नॉट माइनस एक्स, ln a नॉट किसके प्रोपोर्शनल है 75, a नॉट माइनस एक्स डैश किसके प्रोपोर्शनल है 75 माइनस पी टी डिवाइडेड बाई 3 दट इज इक्वल टू के इंटू टी, ln 75 डिवाइडेड बाय 75 माइनस pt डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू ln, सॉरी k का वैल्यू कितना था ln 3 डिवाइडेड बाय 20 पर मिनट, टाइम कितना दे रखा है 40 मिनट, कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया ln 75 डिवाइडेड बाय 75 माइनस pt बाय 3, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये अंदर जाएगा तो 3 raised to power 2 दैट मींस कि 9 हो जाएगा, आगे क्या आ गया 75 डिवाइडेड बाई 75 माइनस pt बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9, सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 25 बाई 3 इक्वल टू 75 माइनस pt बाई 3, आगे सॉल्व करो यहां से pt का वैल्यू कितना आएगा, बेसिकली pt बाई 3 लेफ्ट हैंड साइड में चला गया और इधर कितना हो गया 75 माइनस 25 बाई 3, 225 माइनस 25 दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 3 pt डिवाइडेड बाय 3, तो pt का वैल्यू कितना आ गया 200 mm hg। शुरुआत में आपको बेसिकली यहां पे प्रेशर का जो ऑब्जर्वेशन है वो दे रखा था, शुरुआत में तो ऑब्जर्वेशन दे नहीं सकते थे क्योंकि रिएक्टेंट कैसा था एक्वस, और एक्वस है मतलब इसका कोई प्रेशर तो होगा नहीं, प्रेशर किसका केवल कंसिडर करना है गैशियस स्पीशीज का कंसिडर करना है, तो आपको प्रेशर क्या दे रखा था 20 मिनट पे टोटल प्रेशर क्या है वो दे रखा था, इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर क्या है वो दे रखा था, इन दोनों प्रेशर से आपने बेसिकली क्या निकाला कि रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और रिएक्टेंट का टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा वो निकाला, वैल्यू को आपने पुट किया इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, उससे क्या आ गया रेट कॉन्स्टेंट का आंसर आ गया, रेट कॉन्स्टेंट का आंसर आ गया। अब क्या पूछा है टाइम टी इक्वल टू 40 मिनट पे टोटल प्रेशर क्या होगा, तो लेट अस से कि टाइम टी इक्वल टू 40 मिनट पे टोटल प्रेशर क्या होगा पीटी, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो तो आपको दे ही रखा था, इन दोनों प्रेशर से वापस से आपने क्या निकाला इनिशियल रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम टी पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ये आपने वापस से फाइंड आउट किया, इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट किया और बाकी जो वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करना था वो सब्स्टिट्यूट किया, तो टोटल प्रेशर अपने पास कितना आ गया 200 mm hg। रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का सेकंड मेथड है वॉल्यूम मेजरमेंट। इस मेथड में बेसिकली आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे, दैट मींस कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे, या टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, गैशियस स्पीशीज का जो वॉल्यूम है वो आपको मिलेगा, और ये गैशियस स्पीशीज कहां पे प्रेजेंट हो सकती है, रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट हो सकती है, प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन यूजुअली गैशियस स्पीशीज आपको केवल कहां मिलेंगी प्रोडक्ट में ही मिलेंगी, और इन गैशियस स्पीशीज का जो वॉल्यूम है एक से ज्यादा स्पीशीज हुई तो मतलब कि टोटल वॉल्यूम की बात है, ये वॉल्यूम आपको रिपोर्ट किया जाएगा। इस वॉल्यूम से या इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता लगाना पड़ेगा लॉजिकली
कि रिएक्टेंट ए का या रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या था। टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर मिल गई तो उसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट कीजिए और आंसर निकालिए। एक रिएक्शन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट अस से कि रिएक्टेंट है ए, ए दे रखा है आपको एक्वस स्टेट में, इससे बन रहा है प्रोडक्ट बी, बी दे रखा है लिक्विड स्टेट में, और एक और प्रोडक्ट बन रहा है सी, और सी दे रखा है आपको गैसियस स्टेट में। तो यहां पर जितना भी वॉल्यूम आपको रिपोर्ट किया जाएगा वो वॉल्यूम केवल कौन सी स्पीशीज का होगा, सी गैस का। तो बताइए शुरुआत में तो केवल कौन होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। प्रोडक्ट अगर नहीं है तो गैसियस स्पीशीज का वॉल्यूम, विच मींस कि वी नॉट आपको कितना दे रखा है, एक तरीके से जीरो ही दे रखा है। ओके, शुरुआत में यहां पर कोई भी वॉल्यूम नहीं है क्योंकि गैसियस स्पीशीज बेसिकली है ही नहीं। अब क्या होगा कि धीरे धीरे ए डिसोशिएट होगा जिससे कि बी और सी बनेगा, ठीक है, बी और सी बनेगा, तो सी गैस बेसिकली है और गैस का जो वॉल्यूम है वो आपको मिलेगा। इस वॉल्यूम से आपको बेसिकली क्या निकालना होगा, वॉल्यूम से आपको निकालने पड़ेंगे कि सी गैस के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, और नंबर ऑफ मोल से आपको क्या पता करना पड़ेगा कि सी गैस के अगर इतने मोल बन रहे हैं तो बेसिकली ए में से कितना मोल डिसोशिएट हुआ होगा। अब मोल तो नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्या होगा, गैस के लिए क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वैल्यू यहां पे कांस्टेंट होगी, आर गैस कांस्टेंट होता ही है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो जो भी वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाएगा सी गैस के लिए, इस वॉल्यूम को बेसिकली आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल के जैसे भी ट्रीट कर सकते हो, या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां पे हमेशा मेंटेन होगा। ऐसा करने से क्या पता चल जाएगा, एक तरीके से सी गैस की वजह से आपको यह पता चल जाएगा कि इनिशियली ए के मोल कितने हैं और टाइम टी पे ए के मोल कितने हैं, मोल पता चले तो मोल में कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कंटेनर में अपने पास सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का डिवाइड करने के बाद, मोल में वॉल्यूम का डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, और इसी कॉन्सेंट्रेशन को कहां पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट करना पड़ेगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है तो वहां पुट करना पड़ेगा। लेकिन यूजुअली मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या दिया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही मिलेगा। अज्यूम करते हैं कि शुरुआत में ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है या नंबर ऑफ मोल है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल पे चलते हैं, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, ए नॉट, तो इनके बेसिकली कितने होंगे, जीरो। गैस के वॉल्यूम अगर, सॉरी, गैस के नंबर ऑफ मोल अगर जीरो है तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, जीरो। टाइम टी इक्वल टू टी पे वॉल्यूम आपको रिपोर्ट कर रखा है वीटी, और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे वॉल्यूम आपको गैसेस का रिपोर्ट कर रखा है वी इनफाइनाइट। बताइए टाइम टी इक्वल टू टी पे इसमें से लेट अस से कि एक्स मोल डिसोशिएट हो गए तो ये कितना मोल बन गया 2x, ये कितना मोल बन गया एक्स। टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये सारा ही डिसोशिएट होगा तो एक मोल से कितना बनेगा, दो मोल, तो ए नॉट से कितना बनेगा, 2a0, और वो कितना बनेगा, ए नॉट। ये आपने बेसिकली विद हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट लॉजिकली लिख लिया कि शुरुआत में रिएक्टेंट ए का कितना मोल है, टाइम टी पे कितना है, और टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना है। इन मोल्स की वजह से सी गैस के मोल कितने बनेंगे ये आपने फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब बेसिकली यहां पे ये जो मोल है ये मोल डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होंगे, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और आपको बेसिकली मोल तो नहीं दे रखे, क्या दे रखा है, वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल भी यूज कर सकते हो, या नंबर ऑफ मोल की जगह क्या यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। तो यहां से क्या पता चल गया कि ये जो VT वॉल्यूम है ये केवल गैशियस कंपोनेंट की वजह से होगा, गैशियस कंपोनेंट ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ये है। तो x मोल की वजह से कितना वॉल्यूम जनरेट होगा VT, सिमिलरली a नॉट मोल्स की वजह से कितना वॉल्यूम जनरेट होगा V इनफाइनाइट। ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी है और इन दोनों वैल्यूज से आपको क्या पता करना है, इनिशियल मोल्स एंड टाइम टी पे जो मोल है वो पता करने है किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। फिर इनकी वैल्यूज को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ए नॉट का वैल्यू तो चलो आ गया, अब ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू लाना है, तो ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू यहीं से कितना हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। दोनों वैल्यूज आपको मिल गई है, दोनों वैल्यूज मिल गई है, फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मैं यहां पर एक्सप्रेशन लिखता हूं और उस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एलन
ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी दैट इज इक्वल टू वॉट के टी एलन ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी को क्या लिखा जा सकता है टाइम टी पे इसकी क्या मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट माइनस एक्स अगेन ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है क्या है मोल है दैट इज इक्वल टू वॉट के टी अब बता दीजिए कि यहां पर रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पुट की जाती है मोल्स पुट नहीं की जाते कोई दिक्कत नहीं है यहां पे ये जो मोल दे रखे हैं अगर आप इसमें वॉल्यूम का डिवाइड करोगे सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा तो वॉल्यूम का डिवाइड तो बेसिकली ऊपर भी होगा वॉल्यूम का डिवाइड नीचे भी होगा तो वो तो वैसे भी कैंसल आउट हो जाना है कैंसल आउट अगर हो जाएगा तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल पे ही ये गाड़ी चल पड़ेगी अपनी तो बताइए ए नॉट कितना है अपने पास v इन्फिनिटी के प्रोपोर्शनल है और ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है v इन्फिनिटी माइनस vt के प्रोपोर्शनल है दैट इज इक्वल टू kt फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इंटीग्रेटेड रेट लो है उसमें आपको क्या पुट करना पड़ता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन किसका रिएक्टेंट का ये दोनों नहीं दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे या टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी पे या टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है इसका वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल के इन नंबर ऑफ मोल की वजह से या इस वॉल्यूम की वजह से बेसिकली आपने नंबर ऑफ मोल को यहां पे पुट कर दिया वॉल्यूम इंफिनिटी और वॉल्यूम एट टाइम टी में ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया अब यहां पे वी इंफिनिटी और वी टी की वैल्यू पुट कीजिए T की वैल्यू पुट कीजिए तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा अगेन ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है क्यों याद नहीं रखना है क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने यहां पे इस तरीके से बना रखी है ये इक्वेशन चेंज भी हो सकती है जैसे कि 2B भी कैसा आ जाए एक्वस आ जाए या गैशियस आ जाए गैशियस कंपोनेंट यहां पे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो आपको बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ये इस तरीके से रिएक्शन को लिखना पड़ेगा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे गैसियस कंपोनेंट के मोल कितने मोल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो जो भी वॉल्यूम आपको मिलेगा उस वॉल्यूम से मोल फाइंड आउट करना और मोल से बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करना है आंसर आ जाएगा मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन और इसमें जो सेकेंड मेथड है वॉल्यूम मेजरमेंट उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है काफी सिंपल क्वेश्चन है रिएक्शन देख लीजिए रिएक्शन में बेसिकली क्या दे रखा है अमोनियम नाइट्राइट एक्वस स्टेट में है अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो बेसिकली आपको क्या मिलता है वाटर और एक गैसियस प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज नाइट्रोजन गैस इस नाइट्रोजन गैस का डिफरेंट टाइम पे वॉल्यूम आपको दे रखा है डिफरेंट टाइम पे वॉल्यूम दे रखा है तो इस वॉल्यूम से आप क्या बताने की कोशिश करोगे इस वॉल्यूम की वैल्यू से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बताना है एट अ टाइम टी एंड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बताना है और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन बताना है ये दोनों अगर पता लग गया तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इंटीग्रेटेड रेट लो में पुट करना है रेट कॉन्स्टेंट का आंसर आ जाएगा अगेन कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रखा है फॉर्मूला अभी वापस से डेवलप कर लेंगे बताइए अमोनियम नाइट्राइट है एक्वस स्टेट में दे रखा है हीट करेंगे तो क्या बनेगा वाटर के टू मॉलिक्यूल बनेंगे लिक्विड और केवल एक गैसियस प्रोडक्ट अपने पास क्या है नाइट्रोजन गैस लेट अस से कि इसके मोल इनिशियली कितने थे ए नॉट इनके कितने हो गए जीरो तो इनिशियली वॉल्यूम कितना है गैसेस का जीरो है क्योंकि कोई गैस है ही नहीं तो वी नॉट की वैल्यू में क्या बोल सकता हूं जीरो और यहां पर वॉल्यूम केवल किसका नोटिस करना है गैसेस का अगेन ऐसे जब भी क्वेश्चन आते तो प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है इसका मतलब वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होते हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम ए नॉट में से एक्स मोल इसके डिसोशिएट हो गए तो इसके कितने बनेंगे 2x इसके कितने बनेंगे x और टाइम बेसिकली आपको कितना दे रखा 20 मिनट और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा तो जीरो मोल एक मोल से इसका कितना बन जाएगा दो मोल इसके दो मोल बनेंगे और इसका कितना बनेगा एक मोल या सॉरी ए नॉट मोल अगर डिसोशिएट हो गए तो ये कितना बनेगा 2a नॉट और ये कितना बनेगा a नॉट इन दोनों पर्टिकुलर टाइम पे आपको गैशियस स्पीशीज का जो वॉल्यूम दे रखा है दैट इज 40 ml एंड 70 ml इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो कैलकुलेट करना है तो ठीक है यहां से तो कोई इक्वेशन बनेगा नहीं सेकंड पे आते हैं सेकंड में अपने पास गैसियस प्रोडक्ट केवल नाइट्रोजन गैस है नाइट्रोजन गैस के मोल कितना है एक्स एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है 40 मिलीलीटर टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितने गैसियस मोल है अपने पास ए नॉट और ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 70 ml तो ए नॉट का वैल्यू तो बेसिकली आ गया अब किसका वैल्यू आपको चाहिए ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू और चाहिए तो ए नॉट माइनस एक्स कितना आ जाएगा
70 माइनस 40 कितना आ जाएगा 30 ml। ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू आ गया। ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स दोनों क्या है, रिएक्टेंट ए के मोल, मोल में इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा बेसिकली वॉल्यूम। वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। एलन ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी। ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम, तो अपॉन वॉल्यूम दोनों जगह आएगा तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो तो बेसिकली कट जाएगा। और यहां से इनके कितने मोल होंगे वो बेसिकली किसको प्रोपोर्शनल दे रखे 70 एंड 30 के, तो ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल है बेटा 70 के, ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है 30 के, दैट इज इक्वल टू के इंटू टी। टी आपको कितना दे रखा है 20 मिनट। तो यहां से इस पर्टिकुलर अमोनियम नाइट्राइड के डीकंपोजिशन की जो रिएक्शन है इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कॉन्स्टेंट क्या आ गया, एलन 7/3 डिवाइडेड बाई 20 पर मिनट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का थर्ड मेथड है टाइट्रेशन मेथड। अब टाइट्रेशन मेथड में बेसिकली प्रोसीजर क्या है और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या मिलेगी और उस ऑब्जर्वेशन से निकालना क्या होगा रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में उसे यूज करेंगे और फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा। प्रोसीजर आप देखिए, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जैसे मान लीजिए कि ए से क्या बन रहा है बी प्लस सी। अब इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी और सी है, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बन रहा है ये पता करना है। अगर प्रोडक्ट का अमाउंट आपको पता चल गया तो आपको क्या पता चल जाएगा रिएक्टेंट का कितना अमाउंट यहां से डिसोशिएट हुआ है और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे रिएक्टेंट का कितना अमाउंट लेफ्ट है पता चल जाएगा। अब यहां पे ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बन रहा है इसे पता करने के लिए लेट अस से कि बी प्रोडक्ट पे मैं फोकस कर रहा हूं, तो बी प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है इसे पता करने के लिए इसका टाइट्रेशन करवाते हैं। टाइट्रेशन किसके साथ करवाएंगे, टाइट्रेटिंग एजेंट के साथ, जिसके भी साथ ये सक्सेसफुल रिएक्शन कर सकता है। टाइट्रेटिंग एजेंट इसके साथ टाइट्रेशन करेगा, टाइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इस टाइट्रेटिंग एजेंट का वॉल्यूम नोटिस कर लेंगे। तो बेसिकली अगर टाइट्रेटिंग एजेंट का वॉल्यूम आपको पता चल गया और इस टाइट्रेटिंग एजेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन है उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वॉल्यूम अगर आप इसको पता चल गया कितना टाइट्रेटिंग एजेंट खर्च हुआ ये पता चल गया तो आपको क्या पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट बी का अमाउंट यहाँ पे कितना है। प्रोडक्ट बी के अमाउंट से आपको क्या पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट ए का अमाउंट अभी कितना और बचा हुआ है। रिएक्टेंट ए का अमाउंट पता चल गया टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे। तो यहां से फिर इस वैल्यू को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट करेंगे और आंसर निकल के आ सकते हैं। वापस से प्रोसेसर देखिए कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए की टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पता करनी होती है। रिएक्टेंट से क्या बनेंगे बेसिकली प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का अमाउंट आपको पता करना है। अगर प्रोडक्ट का अमाउंट पता है तो आपको रिएक्टेंट का अमाउंट पता चल जाएगा। इस प्रोडक्ट बी का अमाउंट पता करने के लिए प्रोडक्ट बी का टाइट्रेशन करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइट्रेटिंग एजेंट से ये टाइट्रेशन किया जाता है। तो इस प्रोडक्ट बी को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए टाइट्रेटिंग एजेंट बेसिकली कितना लगेगा इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है। इस वॉल्यूम से आप गेस करोगे कि बी प्रोडक्ट यहां पर कितना था और बी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से आप गेस करोगे कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेफ्ट है। ये अगर पता चल गया, रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर पता चल गई, तो फिर यहां से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में यूज करना है और आंसर आ जाएगा। अब इसका एक सबसे सिंपल और सबसे स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और उसी एग्जांपल से डिराइव करते हैं कि यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा। और एक बात और बता देते हैं, टाइट्रेशन मेथड का जो फॉर्मूला बनेगा उसको याद भी रखना है, क्योंकि पहली बात तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये प्रोसेस पे क्वेश्चन केवल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से ही आपको मिलेंगे। तो वहीं से ये जो फॉर्मूला बनेगा उसको हर किसी क्वेश्चन में हम अप्लाई कर पाएंगे, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात है तो लेट अस से कि इथाइल एस्टर की बात करते हैं। एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल से मिलकर बना है और इसका हाइड्रोलिसिस आपको करना है। हाइड्रोलिसिस लेट अस से कि एसिडिक मीडियम में किया जा रहा है, तो क्या बनेगा वापस से CH3COOH
और क्या बनेगा, C2H5OH, दैट मींस इथाइल अल्कोहल बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा। अब ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता करनी है। कब पता करनी है बेटा, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, लेट अस से कि मैं इस पे फोकस कर लेता हूं एसिटिक एसिड पे, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका अमाउंट आपको बेसिकली पता करना है। तो बताइए एसिड का सक्सेसफुल टाइट्रेशन किसके साथ हो सकता है, बेस के साथ। तो यहां पर टाइट्रेटिंग एजेंट क्या रखेंगे, टाइट्रेटिंग एजेंट क्या रखेंगे, NOH रख देते हैं, मतलब कि बेस रख देते हैं। और इस पर्टिकुलर बेस का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा VML, वो आपको दिया हुआ है। ये VML की वैल्यू आपको कब कब मिलेगी, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू टी पे और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे। ऐसा करते हैं टाइम टी इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे केवल यहां पे कौन है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कितना बना बेटा, जीरो। जीरो अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ही नहीं तो प्रोडक्ट को टाइट्रेट करने के लिए NOH का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा, जीरो। एकदम सही है ये, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है केवल यही NOH के साथ टाइट्रेशन कर सकता है। रिएक्शन मिक्सचर में कोई और क्वांटिटी भी प्रेजेंट हो सकती है, कोई और स्पीशीज भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट शुरुआत में तो प्रेजेंट होता है, और लेट अस से कि कैटलिस्ट भी टाइट्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे NOH का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ये भी एक पर्टिकुलर आंसर आएगा ना। लेट अस से कि 10 ml रिक्वायर्ड होगा, 15 ml रिक्वायर्ड होगा, 20 ml रिक्वायर्ड होगा। इसीलिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पे टाइट्रेटिंग एजेंट का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ये हमेशा जीरो नहीं हो सकता, कभी कभी जीरो से आगे 5 ml, 10 ml इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिलेगा, इसको लिख देता हूं मैं, ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, या पूरी प्रोसेस ही वापस से पढ़ लीजिए। प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ टाइट्रेटिंग एजेंट, और टाइट्रेटिंग एजेंट का जो वॉल्यूम यूज किया जाएगा वो आपको मिलेगा। टाइट्रेटिंग एजेंट के वॉल्यूम से प्रोडक्ट का आप कॉन्सेंट्रेशन बताओगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से क्या बताओगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बताओगे। तो यहां बता देते हैं कि टाइट्रेटिंग एजेंट अपने पास NOH है, NOH बेसिकली क्या है, बेस है। बेस किसके साथ टाइट्रेट कर सकता है, एसिड के साथ। अब बताइए NOH का जो वॉल्यूम आपको मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, V0, VT एंड V∞। दिस इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट। यहां पर टाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, NOH इज यूज्ड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, टाइम टी इक्वल टू टी एंड टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट। इन तीन वॉल्यूम की वैल्यू आपको मिलेगी, इन वॉल्यूम की वैल्यू से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली आपको पता करना होगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर पता चल गया तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको, लेट अस से कि अपने पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन या इसके नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे, ए नॉट, ये किस में होगा, हमेशा एक्सिस में होगा। तो बताइए कि एसिड शुरुआत में कितना होगा, जीरो, अल्कोहल शुरुआत में कितना होगा, जीरो, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस यहां पर है, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो इथाइल एस्टर है इसका हाइड्रोलिसिस काफी अच्छी रेट के साथ होता है। अगेन टाइम टी इक्वल टू टी पे इथाइल एस्टर के लेट अस से कि एक्स मोल डिसोशिएट हो गए, इसकी कोई बात करनी नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा ही एक्सिस में है। एक्स मोल अगर इसका डिसोशिएट हो गया तो ये कितना बनेगा, एक्स और एक्स। टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, दैट मींस कि जीरो, ये अभी भी एक्सिस में बना है। वन मोल से वन मोल बनता है तो ए नॉट से कितना बन जाएगा, ए नॉट, और ये कितना बन जाएगा, ए नॉट। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे एसिटिक एसिड का कितना मोल यहां पर है वो आपको पता है। अब बताइए NOH का वॉल्यूम आपको दे रखा है जीरो टाइम पे, टाइम टी पे और इनफाइनाइट टाइम पे, और ये NOH बेसिकली किसको टाइट्रेट कर रहा है, एसिड को। एसिड अपने पास कौन है, CH3COOH, और भी एसिड है यहां पे, कैटलिस्ट भी आपको कोई ना कोई एसिड दे रखा है, ठीक है। तो दोनों को ये टाइट्रेट कर रहा है। तो बताइए जीरो टाइम पे ये बेसिकली इसका कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हो रहा है, वी नॉट, और वी नॉट बेसिकली किसको टाइट्रेट करेगा, एसिड को। एसिड के मोल कितना बेटा, जीरो, और यहां से इसके मोल कंसिडर कर लेता हूं H+, क्योंकि इस कैटलिस्ट को भी ये टाइट्रेट करेगा। कैटलिस्ट क्या है अपने पास, एसिड, और एसिड को टाइट्रेट कौन करेगा, बेसिकली बेस। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे टाइट्रेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है,
क्योंकि टाइट्रेटिंग एजेंट ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को टाइट्रेट कर रहा है, ये यहां पे प्रेजेंट कैटलिस्ट को भी तो टाइट्रेट कर सकता है ना। तो इसीलिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पे टाइट्रेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं होता तो बेसिकली प्रोडक्ट को टाइट्रेट करता, और प्रोडक्ट ही प्रेजेंट नहीं है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो कितने वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होता, जीरो। आगे बढ़ते हैं, एट टाइम टी इक्वल टू टी पे कितने वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है वीटी, और ये वॉल्यूम बेसिकली किसको करस्पॉन्ड करेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड। मोल ऑफ एसिड अपने पास कितने है, एक्स मोल यहां से और वहां से कितना एच प्लस, वी इनफाइनाइट पे कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वी इनफाइनाइट, टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वी इनफाइनाइट, और ये वी इनफाइनाइट वॉल्यूम बेसिकली किसको टाइट्रेट करेगा, एसिड को। कब, इनफाइनाइट टाइम पे जितना भी अपने पास एसिड है, तो इनफाइनाइट टाइम पे कितना एसिड है, ए नॉट प्लस एच प्लस। तो यहां से ये जो वॉल्यूम है किसका, एनओएच का, किसको टाइट्रेट कर रहा है, एसिड को। तो एसिड के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे वॉल्यूम ऑफ एनओएच भी उतना ही ज्यादा रखना पड़ेगा। तो बेसिकली एसिड के मोल और वॉल्यूम ऑफ एनओएच दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब वॉल्यूम और एसिड के मोल से बेसिकली आपको क्या निकालना है, ए नॉट का वैल्यू निकालना है और ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है। जैसे ही ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम उसे पुट कर देंगे, आंसर बन जाएगा। तो आगे बताइए, ए नॉट का वैल्यू आप निकालो, तो ए नॉट का वैल्यू बेसिकली कहां से आएगा, इन दोनों से। बताइए, v इनफाइनाइट माइनस v नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h प्लस, एच प्लस कट गया तो बाकी क्या आ गया, ए नॉट। फर्स्ट एक काम तो हो गया, अब क्या निकालना, ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू। ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू कहां से आएगा, इन दोनों से। इसमें से ये माइनस कीजिए तो h प्लस से h प्लस तो कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ए नॉट माइनस एक्स, और यहां से क्या आ जाएगा, v इनफाइनाइट माइनस वी टी। ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स आ गया, यहां पर ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स दोनों क्या है, रिएक्टेंट ए के मोल। रिएक्टेंट ए अपने पास कौन है, इथाइल एस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। इनके मोल में इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, वॉल्यूम का डिवाइड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ऊपर और नीचे दोनों जगह होगा, तो वॉल्यूम तो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो किससे काम चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल से ही काम चल जाएगा। इनके जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ज्यादा एनओएच का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा टाइट्रेशन करने के लिए, और इस एनओएच की जो स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन है वो बता के नहीं रखते, ठीक है। अब बताइए, ln a नॉट डिवाइडेड बाई ए टी दैट इज इक्वल टू के टी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स माना है मैंने इस रिएक्शन को, ln a नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू के टी। ए नॉट का वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, v इनफाइनाइट माइनस v नॉट। ए नॉट माइनस एक्स टाइम t पे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली किसको प्रोपोर्शनल है, v इनफाइनाइट माइनस v t दैट इज इक्वल टू वॉट के टी। क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा, इनिशियली टाइम टी इक्वल टू जीरो पे टाइट्रेटिंग एजेंट का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है मिलेगा, टाइम टी इक्वल टू टी पे टाइट्रेटिंग एजेंट का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो भी मिलेगा, और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे टाइट्रेटिंग एजेंट का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो भी मिलेगा। और इस वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था, और प्रोसेस वैसे ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि अपन ने एग्जांपल ही काफी सिंपल लिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, प्रोडक्ट एसिड, और एसिड को टाइट्रेट करने के लिए कौन लगता है, बेस। जितना ज्यादा एसिड का मोल होगा बेस टाइट्रेट करने के लिए उतना ही ज्यादा लगेगा, तो बेस का वॉल्यूम बेसिकली क्या होगा, ज्यादा रिक्वायर्ड। तो जो बेस का वॉल्यूम है और जो एसिड का अमाउंट है दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अब यहां से ये जो वैल्यू है ये आपको हमेशा पता रखनी है, क्योंकि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो ये वापस से डिराइव नहीं करेंगे हम। वैल्यू क्या पता रखनी है, वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू आपको क्या पता रखनी है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, यहां पर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट, प्रॉपर्टी एट इनफाइनाइट माइनस प्रॉपर्टी एट जीरो, और टाइम टी पे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर्टी एट इनफाइनाइट माइनस प्रॉपर्टी एट टाइम टी। ये दोनों वैल्यूज अगर हम याद रखेंगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो काफी सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के, मेथड्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, ये यहीं से सॉल्व हो जाएंगे।
और ये बेसिकली आपको किसके लिए यूज करना है, टाइट्रेशन मेथड के लिए यूज करना है। प्रेशर मेजरमेंट और वॉल्यूम मेजरमेंट वाले क्वेश्चन तो सिंपल थे, तो वहां तो कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो उस क्वेश्चन को शुरुआत से स्टार्ट करना है, उसी तरीके से बनाना है और वहां पर फॉर्मूला डेवलप करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन मिल जाए और इसके आगे वाला जो मेथड आएगा वो भी अगर टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा और ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पता रखना है। टाइट्रेशन मेथड के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में आपके पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है, ए एक्वस इससे क्या बन रहा है, टू बी एक्वस प्लस सी एक्वस, और फिर ये बताया गया कि इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को आपने किस तरीके से मॉनिटर किया है कि यहाँ पे जो भी रिएक्शन मिक्सर है इसको बेसिकली टाइट्रेट किया है H2O2 के साथ, हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ। तो रिएक्शन मिक्सर को टाइट्रेट कर रहे हैं, तो यहां पे मैंने बेसिकली आपको इन्फॉर्म भी कर रखा है किस रिएक्शन मिक्सर में बेसिकली कौन टाइट्रेट होता है H2O2 के साथ, केवल बी, ए और सी H2O2 के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर रिएक्ट करते तो H2O2 का जो टाइट्रेटिंग वॉल्यूम है वो बढ़ जाता, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होता, फॉर्मूला चेंज नहीं होता, आंसर तब भी आता। लेकिन वॉल्यूम ऑफ H2O2 दैट इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट रिएक्टिंग मिक्सर वो बढ़ जाता। फिलहाल इसे केवल किसको टाइट्रेट करना है, बी को टाइट्रेट करना है, और बी को टाइट्रेट करने के लिए इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो आपको दे रखा है। कौन सा वॉल्यूम दे रखा है कि 15 मिनट पे इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 40 ml, और आपसे ये पूछा है कि 60 मिनट पे H2O2 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ये बताइए। रेट कॉन्स्टेंट K की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ln 4/30 per minute। क्या नहीं दिया आपको यहां पे कि इनफाइनाइट टाइम पे H2O2 दैट मींस कि टाइट्रेटिंग एजेंट का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ये नहीं दिया, जीरो टाइम पे टाइट्रेटिंग एजेंट का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ये नहीं दिया। तो एक बार बताइए जीरो टाइम पे कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, जीरो, क्योंकि जीरो टाइम पे केवल कौन प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट कौन है अपने पास, ए, और बी प्रेजेंट नहीं होगा, सी प्रेजेंट नहीं होगा, और केवल H2O2 यहां पर किसके साथ टाइट्रेट कर रहा है, बी के साथ कर रहा है, बी प्रेजेंट नहीं है तो टाइट्रेटिंग एजेंट की भी कोई जरूरत नहीं है, या टाइट्रेटिंग एजेंट का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, जीरो। ये तो आपको पता चल गया टाइट्रेटिंग एजेंट का टाइम टी इक्वल टू टी पे कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है बेटा, और टी की वैल्यू क्या दे रखी है 15 मिनट, ये वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है 40 ml, और इनफाइनाइट टाइम पे कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है टाइट्रेटिंग एजेंट का ये भी नहीं दे रखा है। तो बेसिकली एक वैल्यू आपको पता है, दूसरा भी पता है, तीसरा नहीं पता है। रेट कांस्टेंट के का वैल्यू आपके पास है और ये पता करना है कि 60 मिनट पे जब ये रिएक्शन कंप्लीट, सॉरी 60 मिनट तक जब ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी तब यहां पर कितना बी अमाउंट होगा या बी का कितना अमाउंट होगा, उसके लिए H2O2 का टाइट्रेटिंग वॉल्यूम क्या होगा। अगर 15 मिनट पे इसका टाइट्रेटिंग वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है दैट इज 40 ml, तो 15 मिनट के बाद 60 मिनट पे तो यहां पर बी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा ही बनेगा। बी अगर ज्यादा बनेगा तो उसके टाइट्रेशन के लिए H2O2 का अमाउंट भी बेसिकली ज्यादा ही लगेगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा उसी को अप्लाई करो, यहां पर वापस से कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट, टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी इनफाइनाइट माइनस वी टी। ये दोनों अगर आपको पता है, और साथ ही साथ ये बता दिया कि रेट, सॉरी रिएक्शन आपके पास कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इसमें लिखा हुआ या नहीं, अगर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ तो आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही कंसिडर करना है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में दोनों की वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, ln A0 / A0 - x दैट इज इक्वल टू kT, वैल्यू पुट किया V∞ - V0, V∞ - VT = kT। ln V∞ नहीं पता है, V0 का वैल्यू कितना है, जीरो, VT का वैल्यू कितना है 40 ml, K कितना है ln 4/30 per minute, और टाइम कितना दे रखा है 15 मिनट, ये 2 times यहां से निकल लिया, बताओ कितना हो जाएगा, ln V∞ / V∞ - 40 ml दैट इज इक्वल टू 1/2 है और ln 4 है, 1/2 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 की पावर 1/2, 4 का जो पावर है 1/2, दैट मीन्स कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और ये वैल्यू और 2 इक्वल हो जाएगा V∞ / V∞ - 40 ml दैट इज इक्वल टू 2। यहां अगर सॉल्व करेंगे तो V इनफाइनाइट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 ml आ जाएगा। V इनफाइनाइट बेसिकली क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम पे या जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है
तब वॉल्यूम ऑफ टाइटेटिंग एजेंट H2O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, दैट इज V इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा 80 ml। अब आपको क्या पता करना है, टाइम टी इक्वल टू 60 मिनट पे H2O2 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, उसको आप क्या बोलोगे VT। VT की वैल्यू वापस से पता करनी है। एक बार VT का वैल्यू आपको पता था 40 ml, लेकिन उस टाइम पर टाइम कितना था 15 मिनट। ln A0 डिवाइडेड बाई A0 माइनस x, A0 किसके प्रोपोर्शनल है, A0 माइनस x किसके प्रोपोर्शनल है पता है, तो V इनफाइनाइट माइनस V0, V इनफाइनाइट माइनस VT, दैट इज इक्वल टू KT। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो यहां पे, ln 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 माइनस VT, दैट इज इक्वल टू ln 4 डिवाइडेड बाई 30 पर मिनट, और यहां कितना आ जाएगा 60 मिनट, ये हो गया 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 80 डिवाइडेड बाई 80 माइनस VT, ln में है ये 2 अंदर चला जाएगा, तो 4 raised to power 2 16 हो जाएगा, ये 16 के इक्वल आ गया, 16 80 फाइव टाइम्स, तो VT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 75 ml, और 75 ml आंसर आना भी था, बेसिकली 40 ml से तो ज्यादा ही आना था, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू 15 मिनट पे जब रिएक्शन थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ है उस टाइम पे H2O2 का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है बेसिकली 40 ml, तो 60 मिनट जब रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वॉल्यूम ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड विल बी हायर देन 40 ml, एंड हाउ मच इज इट, 75 ml इज रिक्वायर्ड एट टाइम टी इक्वल टू 60 मिनट। रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का जो नेक्स्ट मेथड है, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। इस पर्टिकुलर मेथड में जब रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा रहा है तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, और उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू से रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा ये निकालना है। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड में ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मिलेगी आपको ऑप्टिकल रोटेशन। अब बेसिकली ऑप्टिकल रोटेशन का क्या मतलब है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर में दो वर्ड्स को फेस करना पड़ता है, या ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली आपको पता होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड है आपको, अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी जनरल कंपाउंड हमें दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर जनरल कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, आइदर दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत सिंपल है, और मैं यहां पे ये नहीं समझा रहा हूं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये सब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट मींस कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे। फिलहाल केवल आप ये देख लो कि ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां से आपको पता चलेगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो प्लेन पोलराइज लाइट को लिया जाता है, PPL लाइट बेसिकली 360 डिग्री डायरेक्शन पर प्रोपोगेट करती है, और इसका प्रोपोगेशन अगर आप किसी एक प्लेन में कंस्टेंट कर दो तो क्या होगा, उस लाइट को क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसे लाइट जो केवल एक ही प्लेन में प्रोपोगेट कर रही है। अब यहां इस लाइट को बेसिकली इस कंपाउंड के सॉल्यूशन के थ्रू पास किया जाएगा, सॉल्यूशन के थ्रू पास किया जाएगा, तो बेसिकली यहां पे क्या पॉसिबिलिटी आती है, या तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये अनडिफ्लेक्टेड निकल जाए, अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब है कि कंपाउंड कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की वजह से प्लेन पोलराइज लाइट का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है कितना होता है, बेसिकली 0 डिग्री का, क्योंकि अनडिफ्लेक्टेड ये निकल गया। और अगर ये डिफ्लेक्ट हो जाए, अगर प्लेन पोलराइज लाइट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास करने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाए, दैट मींस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। डिफ्लेक्ट कितने तरीके से हो सकता है बेटा, दो तरीके से, या तो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाए या फिर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाए। अगर राइट साइड डिफ्लेक्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन बेसिकली किसमें रिपोर्ट किया जाएगा, पॉजिटिव में। लेट अस से कि लाइट कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होती है, थीटा एंगल से, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना आ जाएगा, प्लस थीटा। और अगर ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, कुछ नहीं लिखना है, केवल आपको ये समझना है कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, और जिस एंगल से ये रोटेट करेगा दैट इज थीटा, और इसको और कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, माइनस से।
तो दो तरीके के ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं, वन इज डेक्सट्रो रोटेटरी, अनदर वन इज लिवो रोटेटरी। डेक्सट्रो रोटेटरी को और क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव। लिवो रोटेटरी को और क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे ही प्लेन पोलराइज लाइट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से पास होता है तो वहां पर यह लाइट डिफ्लेक्ट होता है, जिस एंगल से डिफ्लेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन, थीटा एंगल से। और अगर डिफ्लेक्ट नहीं होता है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? जीरो। कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बेसिकली इस मेथड पे आते हैं, रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है इसे मॉनिटर करना है, और मॉनिटर करते समय हमें वैल्यू क्या दे रखी है कि रिएक्टिंग मिक्सचर क्यों प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जा रहा है। प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने से जो भी ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू आता है वो आपको दिया जाएगा। तो बेसिकली ऑप्टिकल रोटेशन आपको कब दिया जाएगा? जीरो टाइम पे, टी टाइम पे, और इनफाइनाइट टाइम पे। आर मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रोटेशन। किसमें एंगल आपको मिलेगा? थीटा। दैट मींस कि 100 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, कितने डिग्री का रोटेशन हुआ है, कितने डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ है, और डिफ्लेक्शन केवल किसकी वजह से हो सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से कितना डिफ्लेक्शन होगा? जीरो डिग्री का। तो जितना भी डिफ्लेक्शन हुआ है वो ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू आपको मिलेगा, और इस ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू से आपको क्या लाना है? ए नॉट का वैल्यू लाना है, ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स बेसिकली क्या है? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड एट टाइम टी इक्वल टू टी। ये अगर आपको पता चल गए इन टर्म्स ऑफ दीस, तो ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू को जो भी रिएक्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है? वही जो थर्ड मेथड में आपने देखा था, दैट मीन्स कि टाइट्रेशन मेथड में देखा था कि ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल है और ए नॉट माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, वही मेथड अप्लाई करो और उसी से आंसर निकाल लेंगे। इसको बहुत ही ज्यादा मतलब कि किस तरीके से ये ऑप्टिकल रोटेशन होगा, ये इसके ही प्रोपोर्शनल क्यों आएगा, ये सब हमें नहीं देखना है। तो बेसिकली ए नॉट की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आती है? प्रॉपर्टी एट इनफाइनाइट माइनस प्रॉपर्टी एट जीरो टाइम। प्रॉपर्टी यहां पर क्या? ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट। ए नॉट माइनस एक्स टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? प्रॉपर्टी एट इनफाइनाइट माइनस प्रॉपर्टी एट टाइम टी। ये दोनों वैल्यूज आपको पता चल गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये दोनों वैल्यूज कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, आंसर आ जाएगा। तो एलन ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, ए टी को और क्या बोला जा सकता है? ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट के टी। ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल है? आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट के। ए टी किसके प्रोपोर्शनल है? आर इनफाइनाइट माइनस आर टी के, दैट इज इक्वल टू के टी। क्या क्या वैल्यू मिलेगा? टाइम मिलेगा, जीरो टाइम मतलब कि इनिशियली कितना ऑप्टिकल रोटेशन है वो मिलेगा, टाइम टी इक्वल टू टी पे क्या ऑप्टिकल रोटेशन है वो मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम पे कितना ऑप्टिकल रोटेशन है वो मिलेगा। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको? रेट कॉन्स्टेंट के का वैल्यू। ये मेथड भी बहुत ईजी है, लेकिन इस मेथड में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? सीधा आपने जो थर्ड मेथड था वहीं से ये ट्रिक लगा के आंसर निकाल लिया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा ही सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन दे रखा है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बी और सी। ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे रिएक्शन मिक्सचर, दैट मींस कि ए बी और सी पूरा मिक्सचर है ये, इस रिएक्शन मिक्सचर का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे आपको बता रखा है। तो कौन से टाइम पे बता रखा है? 10 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्ट से 10 मिनट के बाद ऑप्टिकल रोटेशन है 50 डिग्री, और इनफाइनाइट टाइम टी व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट ऑप्टिकल रोटेशन इज 100 डिग्री। ओके, ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी है, और ये फाइंड आउट करना है कि इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और बता रखी है कि इस रिएक्शन में बेसिकली बी और सी जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और जो रिएक्टेंट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो की अगर बात करें तो ऑप्टिकल रोटेशन को आप क्या बोलोगे? आर नॉट। टाइम टू इक्वल टू जीरो पे केवल कौन प्रेजेंट है? रिएक्टेंट प्रेजेंट है, और रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो इसकी वजह से कितना ऑप्टिकल रोटेशन आएगा? जीरो। टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट, इस पे रिएक्शन मिक्सचर का जो भी ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या दे रखा है? 50 डिग्री।
और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे आर इनफाइनाइट ये आपको कितना दे रखा है 100 डिग्री। तीनों ऑप्टिकल रोटेशन बेसिकली आपके पास हैं, टाइम का वैल्यू है तो रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है, रिएक्शन कैसा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बताइए। रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट किसके प्रोपोर्शनल होता है आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट, ए टी किसके प्रोपोर्शनल होगा दैट मीन्स की ए नॉट माइनस एक्स, टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है आर इनफाइनाइट माइनस आर टी। ये वैल्यूज आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सबमिट करो तो आपको रेट कॉन्स्टेंट के का वैल्यू आएगा। बताइए ए नॉट आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट ए टी या ए नॉट माइनस एक्स आर इनफाइनाइट माइनस आर टी दैट इज इक्वल टू वॉट के टी एल एन। आर इंफिनिटी की वैल्यू है 100, आर नॉट की वैल्यू है 0, 100 माइनस आर टी की वैल्यू है 50, के का वैल्यू आपको निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट का, तो ये कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 50 एल एन टू डिवाइडेड बाई 10 पर मिनट, दैट इज द रेट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंगल ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या कवर किया है, हमने कवर किया है कि रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के टोटल 4 मेथड हैं। रिएक्शन को मॉनिटर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगा। इस ऑब्जर्वेशन को बेसिकली आपको किस में ट्रांसफॉर्म करना होगा, ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स में। ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल वाली और टाइम टी वाली। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ही क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ही पुट की जाती है, और जो ऑब्जर्वेशन बेसिकली आपको मिल रहा है उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे टोटल कितने मेथड हो गए 4। पहले में आपने ऑब्जर्वेशन क्या नोटिस किया था, प्रेशर ऑफ द गैशियस मिक्सचर, दूसरे में क्या था वॉल्यूम ऑफ द गैशियस मिक्सचर, तीसरे में क्या था वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेटिंग एजेंट, और फोर्थ में क्या है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। चारों मेथड से आपने बेसिकली ये बता दिया कि रिएक्शन की प्रोग्रेस को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है।